अच्छा, आपको रोकना चाहेंगे इस वक्त। एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल से एक और बड़ी खबर। बंगाल चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के चुनाव की तारीख का ऐलान आज शाम 4:30 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज शाम 4:30 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और बंगाल में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा आज। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 5 राज्यों की चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है आज शाम 4:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और जैसे ही चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा, आचार संहिता लग जाएगी। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, शाम 4:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद जैसे ही ऐलान किया जाएगा तारीखों का, आदर्श आचार संहिता इन 5 राज्यों में लग जाएगी। कहा जा रहा है बंग की जंग इस बार बहुत दिलचस्प होने वाली है और इंतजार किया जा रहा था कि वो तारीखें कब अनाउंस की जाएंगी। बड़ी खबर बंग की जंग से जुड़ी हुई, आज शाम 4:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। 5 राज्यों में दरअसल इस बार चुनाव होने इसी साल और उसे लेकर तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। लेकिन पश्चिम बंगाल की तारीखें कब तय की जाती है, कब चुनाव होता है, क्योंकि टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है इस बार माना जा रहा है। और ऐसे में तमाम जब चुनावी बिसात बिछाई जा रही है, आज तारीखों का ऐलान हो जाएगा और चुनावी सरगर्मियां बेहद तेज हो जाएंगी। कहा जा रहा है शाम को 4:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इससे पहले एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी जब तमाम परिस्थितियों को लेकर ये देखा गया था कि किन परिस्थितियों में बंगाल में चुनाव करवाया जा सकता है। और फिलहाल आज शाम 4:30 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है चुनाव आयोग की, जब तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। बिल्कुल, हमारे सहयोगी हितेन हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो हितेन, 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और तारीखों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन इस बार चुनाव कराना बेहद आसान नहीं होगा। कितने चरणों में ये चुनाव करवाया जा सकता है, क्योंकि कानून व्यवस्था एक बड़ी चुनौती होगी चुनाव आयोग के पास। बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग ने कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं पहले से ही पैरामिलिट्री फोर्स को जो है वो तैनात कर दिया गया है 5 राज्यों में, जहाँ सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में जो पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है 128 तैनात की गई है। हालांकि अभी ऑफिशियल इनवाइट इलेक्शन कमीशन की तरफ से इश्यू नहीं हुआ है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो मैसेज आया है उसमें साफ साफ लिखा है कि इसी विज्ञान भवन के 5 नंबर हॉल में ये 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और वहाँ पे सबको इनवाइट किया गया है। सब 4:15 बजे का वक्त होगा जब मीडिया की एंट्री जो है वो शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर में एक ऑफिशियल इनविटेशन भी जो है वो डिक्लेयर होगा। 5 राज्यों के चुनाव जो है हो सकता है कि आज ही चुनाव आयोग डिक्लेयर करे, क्योंकि 2 दिन पहले ही जो इलेक्शन कमीशन की बैठक हुई थी उस बैठक में पूरी तरीके से रिव्यू लिया गया है 5 राज्यों में किस तरीके से, कितने चरणों में और कैसे चुनाव करवाना है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने उस दिन ये साफ साफ कहा था कि मार्च और अप्रैल और मई का महीना होगा जो 5 राज्यों में चुनाव का महीना होगा। हालांकि अप्रैल के अंत में चुनाव हो सकते हैं, जो सोर्सेस बता रहे उसके मुताबिक के अप्रैल के मध्य भाग के बाद जो है वो पहले चरण का चुनाव जो है वो शुरू हो जाएगा 5 राज्यों में एक साथ, और मई खत्म होते होते तक 5 राज्यों में चुनाव भी खत्म हो जाएंगे और परिणाम भी जो है वो सामने आ जाएंगे और नई सरकार भी जो है कहीं ना कहीं 31 मई के पहले गठन करनी होती है, तो गठन करनी जरूरी है। इसीलिए चुनाव आयोग जो है वो तारीखों का चयन जो है इसी तरीके से करेगा कि अप्रैल से 31 मई के वक्त में सरकार भी बन जाए 5 राज्यों में और साथ ही साथ चुनाव भी जो है शांतिपूर्ण माहौल में निकल जाए। हालांकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से माहौल है उसे देखते हुए कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के लिए चुनौती बहुत बड़ी होगी कि शांतिपूर्ण माहौल में जो है ये चुनाव को कंप्लीट करवाया जाए। हालांकि 128 पैरामिलिट्री फोर्स की टुकड़ियां जो है वो तैनात कर दी गई है, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो और भी अधिक पैरामिलिट्री फोर्स की टुकड़ियां जो है वो पश्चिम बंगाल में तैनात की जाएगी। साथ ही साथ बात करें तो असम है, केरला है, इन राज्यों में भी चुनाव होना है। तो अब सिर्फ इंतजार हो रहा है कि कब 4:30 बजे और चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है सुनील अरोड़ा वो तारीखों का ऐलान करेंगे, तो साथ ही साथ उस वक्त ये सब देखने वाली बात होगी कि चुनाव आयोग ने क्या क्या तैयारियां की है इस बार खास, और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए क्या क्या तैयारियां की है। क्योंकि अभी से देखिए चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन प्रचार वहाँ बंगाल में शुरू हो चुका है और जिस तरीके की हिंसा वहाँ देखने मिल रही है उसे देखते हुए चुनाव आयोग की कहीं ना कहीं खास तैयारियां निश्चित तौर पर होगी कि शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव कंडक्ट करवाया जाए। बिल्कुल हितेन, और शांतिपूर्ण माहौल में ही चुनाव संपन्न करवाना एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में इस वक्त हालात हैं, जिस तरह से जो बाकी पार्टियां हैं, जो विपक्ष में पार्टियां हैं, वो लगातार कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल में
चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में जो केंद्रीय एजेंसीज हैं या पैरामिलिट्री फोर्स है उनकी बड़ी संख्या में तैनाती हो सकती है पश्चिम बंगाल में, और एक चुनौती होगी चुनाव आयोग के लिए भी शांतिपूर्ण ढंग से निष्पक्ष चुनाव करवाना, क्योंकि लगातार राजनीतिक हिंसा का इतिहास रहा है पहले भी। हितेन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हितेन, लेकिन यहाँ पर तमाम चुनौतियों से अलग जिस रणनीति के साथ चुनाव आयोग इस पूरे चुनाव को संपन्न करवाने की कोशिश करेगा, खासतौर पर पश्चिम बंगाल में, वो चरण ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश होगी। खासतौर पर जो शहरी इलाके होंगे उसे दूसरे चरण में रखा जाएगा और जो ग्रामीण इलाके होंगे उसे अलग चरण में रखने की कोशिश की जाएगी। हितेन का रुख करेंगे, दिलीप घोष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं। दिलीप घोष जी बहुत स्वागत है आपका। शाम 4:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, हो सकता है तारीखों का ऐलान हो जाए, क्या कहेंगे? हम भी इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी चुनाव तिथि घोषणा हो जाए और हम फिर विजय की तरफ बढ़ेंगे। और सेंट्रल फोर्स आ चुकी है, लोगों में काफी उत्साह है क्योंकि चुनाव घोषणा होते ही यहाँ के लोगों का मन में डर सताता है कि चुनाव में वोट डाल पाएंगे या नहीं। चुनाव कमीशन को हम लोगों ने बार बार बताया कि क्या क्या यहाँ कमियां होती है और कैसे कैसे रिलीज किया जाता है, तो मुझे लगता है कि उसका भी निराकरण करेंगे और सफिशियंट यहाँ सेंट्रल फोर्स आएगा, चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्वक होगा। दिलीप जी, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव कराना ही चुनाव आयोग के लिए शायद सबसे बड़ी चुनौती होगी पश्चिम बंगाल में। जी बिल्कुल, यहाँ जो भी चुनाव होता है उसमें सबसे ज्यादा चिंता होती है। पंचायत चुनाव 18 में हुआ तो कई लोग मारे गए उसमें, 13-14 लोग मारे गए, टोटल 100 लोग मारे गए थे प्रक्रिया में। लोकसभा चुनाव में भी पूरा देश में कहीं हिंसा नहीं हुई, बंगाल में हर चुनाव हर सीट में चुनाव हुई, हत्याएं हुई, रोड जाम हुई, जो भी होता है सब प्रकार की यहाँ इस प्रकार हुआ। तो इसलिए इस बार चुनाव के पहले से लोग संकित हैं कि पता नहीं कैसा होगा चुनाव, इसलिए निष्पक्ष चुनाव कराना उनके लिए एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। जी शुक्रिया दिलीप घोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए, आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे और बातचीत बंगाल के चुनाव को लेकर होती रहेगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।